पे आ रहा है और वो है शंकरा बिल्डकॉन का स्टॉक, इस समय 8% ऊपर है। और स्टोरी ये है कि अपोलो, एपीएल अपोलो करीब 5% स्टेक इस कंपनी में ले रही है। इनफैक्ट आपको ये स्टोरी बता दें, अगर शंकरा बिल्डकॉन का शायद डायरेक्टर साहब 5 साल ग्राफ नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये आईपीओ के बाद 2200 रुपये 2500 रुपये के आसपास गया था। ये स्टॉक बहुत क्लोजली ट्रॉक्ट है, क्लोजली ट्रैक्ड स्टॉक है, और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर अमानसा कैपिटल सिंगापुर वाले भी इसमें थे। और इसके बाद कंपनी ने नंबर्स नहीं देना शुरू किया, ख़राब होने लगे नंबर्स, वहाँ इतनी सेलिंग आई कि वो 2500 रुपये वाला 200 रुपये हो गया था स्टॉक। वो देखिए टॉप कितना दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 2300 रुपये। उसके बाद ये नीचे नीचे 200 रुपये आ गया, पूरे बाजार में सबने ट्रैक करना बंद कर दिया। 200 रुपये से 1 साल का ग्राफ निकालिए, अब ये वापस 700 रुपये के आसपास आया। और हमारे कोलीग पंकज जो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी बस कुछ ही दिन पहले कि इसके अंदर एपीएल अपोलो जो एसेंशियली एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे निकल के आ रही है और एक ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल्स का शेप लेना चाहती है। इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी पंकज, ये बहुत ही शानदार स्टोरी है। लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, और जब आपने ब्रेक किया कि एपीएल अपोलो इसमें लेगा, बहुत सारे लोगों ने शायद विश्वास नहीं किया उस समय। आप देखिए स्टॉक 9% ऊपर है। एब्सोल्युटली अजय, अगर हम देखेंगे तो ये एक टू ट्रांच डील है। तो आपने कहा कि 5% का एपीएल अपोलो ले रही है प्रमोटर से, और 24 मार्च को, विच इज़ 3 डेज फ्रॉम नाउ, एक बोर्ड मीट भी रखी गई है शंकरा ने, और प्रमोटर्स ने इंटेंट किया है कि वो 14 लाख के वारंट इशू लेंगे जो आगे जाके इक्विटी में करेंगे। अभी मैंने 14 लाख का कैलकुलेशन किया, वो अराउंड 5.77% स्टेक आता है, तो 4.3% उन्होंने ब्लॉक डील से ले लिया है एंड 5.77% वो वारंट के थ्रू आगे के लेंगे, पर ये बोर्ड अभी कंसीडर करेगा 24th को। तो जो हमने रिपोर्ट किया था कि ये 10% टोटल स्टेक का ये लोग लेने की बात कर रहे हैं, तो ये टू ट्रांचेस में आया है। 4.3% उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, बोर्ड मीट एक 24th को है, जो शायद ये अप्रूव कर दे कि ये 5.77% स्टेक भी ले ले। 750 इज द प्राइस एट विच दे आर लुकिंग एट। हमने कहा था कि वो इन एंड अराउंड द करंट मार्केट प्राइस लेंगे, विच इज क्लोज टू अराउंड 750 odd rupees। तो ये एपीएल कंपनी ने ले लिया, और हमने पहले भी कहा था कि शंकरा को फंड रेज करना है, उनको चाहिए कि आगे उनके साथ और भी अच्छे नाम जुड़े, और एपीएल अपोलो डेफिनेटली ये नाम है। ओवरऑल ये एपीएल अपोलो के कैश या बैलेंस शीट या उनके मार्केट कैप को देख के कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर जैसे आपने कहा कि ये एक कंपनी है जो एपीएल अपोलो पाइप्स है, ये आगे जाके और एक्सपैंड करेगी। अब ये शंकरा में ले रही है, जो एक हाउसिंग फर्निशिंग सॉर्ट का रिटेल सॉर्ट ऑफ पूरा चेन है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मैनेजमेंट से बात कर पाए, स्पेशली प्रमोटर्स ऑफ एपीएल, बिकॉज ये कहेंगे कि इनसे सिनर्जी बेनिफिट इन्हें क्या मिलेगा ये इन्वेस्टमेंट करके। तो ये इंटरेस्टिंग डील है, आगे जाके देखते हैं 24th को क्या होता है, और 24th को ये 14 लाख अप्रूव होता है कि नहीं, इससे इनका टोटल स्टेक 10% हो जाएगा, जो एक काफ़ी सब्सटैंशियल स्टेक है कोई भी कंपनी में। सब्सटेंशियल स्टेक यहाँ पर, इसी के चलते न्यूज ब्रेक यहाँ पर होता हुआ ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगती हुई। पंकज शुक्रिया ये डिटेल हमें बताने के लिए और न्यूज ब्रेक क्लियरली करने के लिए। एपीएल अपोलो मैनेजमेंट से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन एक बार दोनों स्टॉक्स को चेक करते हैं और एक्सपर्ट से राय लेते हैं। शंकरा बिल्डकॉन हम देख रहे हैं करीब 8% तक की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। सोनाली, एपीएल अपोलो एंड शंकरा बिल्डकॉन दोनों के चार्ट एक बार देखें और बताएं। जी, शंकरा बिल्डकॉन तो मैं ट्रैक नहीं करती हूँ, लेकिन अब एपीएल अपोलो पर मैं राय देना चाहूँगी। ये 950 के ऊपर मुझे सही लग रहा है, और अभी अगर हम देखें तो 955 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो ये मूव हम ऊपर की तरफ 1000 रुपीज़ की तरफ एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं टेक्निकली सिर्फ। बाकी न्यूज़ तो हमने सुन ली कि क्या इसमें बेसिक है, तो ये मेरा चार्ट पर राय रहेगा एपीएल अपोलो पर। शंकरा बिल्डकॉन आप इस पर अपनी राय देना चाहेंगे? मेहुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, शंकरा बिल्डकॉन इस स्टॉक में न्यूज बेस्ड इंपैक्ट आता हुआ क्लियरली दिख रहा है, इस पर आप अपनी राय देना चाहेंगे? यस यस, डेफिनेटली देखिए एक रेंज ब्रेकआउट आया है, बट थोड़ा सा काउंटर आज आज का दिन का जो मूवमेंट है वो थोड़ा एक्सट्रीम वे पे चला गया है। 750 760 वाज अ परफेक्ट प्लेस जहां पर बाइंग हो सकती थी, अब यहां पर थोड़े डिप्स की राह देखनी चाहिए, बट ओवरऑल ये काउंटर तकरीबन 900 सवा 900 के करीब जाते हुए दिख रहा है, तो यहां पर बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अभी प्रेजेंट करंट प्राइस पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी काउंटर 8% to 9% अप है, तो तकरीबन 760 770 के पास अगर आता है तो बाय कीजिए। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 720 के करीब, और अपसाइड टारगेट रहेगा 900 एंड 925 का।